300 यूनिट बिजली फ्री ले जाएं, अखिलेश बोले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी का एक और बड़ा अभियान प्रारंभ किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के अभियान को बुधवार से प्रारंभ करने की घोषणा की है। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य और अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। सुभाषपा से बागी हुई पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बसपा ने बनाया प्रत्याशी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के बासडीह विधानसभा से सुभाषपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मालती राजभर ने सुभाषपा से बागी होकर बसपा का दमन थाम लिया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने मालती राजभर को बसडीह विधानसभा से प्रभारी बनाया। मालती राजभर के साथ दर्जनों राजभर समाज के लोग बसपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मालती राजभर ने बताया कि सुभाषपा ने महिलाओं का सम्मान नहीं, 50% महिलाओं की भागीदारी होने के बाद भी सपा बसपा और कांग्रेस ने कहीं महिलाओं को टिकट नहीं दिया। वर्तमान का सिस्टम कितना भ्रष्ट बलरामपुर में देखिए। बलरामपुर विकासखंड अंतर्गत भगवतीगंज का मामला लेखपाल साहब ने कमाल कर दिया। जिंदा औरत को मुर्दा घोषित कर दिया। अब पेंशन के लिए गरीब महिला दर दर भटक रही है। उच्च अधिकारी से लगाई गुहार, अधिकारी भी नहीं ले रही है रुचि। आपको बता दें कि वर्तमान का सिस्टम कितना भ्रष्ट है, इस बात का अंदाजा आप यह वीडियो देखकर लगा सकते हैं। वीडियो में एक गरीब महिला बता रही है कि वह अभी जिंदा है और लेखपाल साहब ने घर बैठे ही उसे मुर्दा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 12 महिलाएं जो हमारे कार्यालय में आकर जिंदा होने का प्रमाण दे रही हैं। सर, ये जो महिला आई है, क्या समस्या है इसकी? वृद्धा पेंशन कट गया सत्यापन दौरान। सत्यापन इस बार कराया गया था एकदम सदर के स्तर से। नगर लेखपाल द्वारा जो है लगभग जो मित्र दर्शाए गए थे उनको पोर्टल से हटा दिया गया है। अभी तो पैसा पास नहीं पाए। पैसा है कौन? पैसा पेंशन? पेंशन नहीं पाते हो? अब नहीं मिलते। कब से कटा है? चालन एक साल से पेंशन नहीं पाओ थे। कहाँ नाम है? हाँ, कौन गांव है? भगवती। किसान सर्दी में अपनी फसल को बचाने के लिए बैठे खेतों में। बलरामपुर में किसान सर्दी में अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं खेतों में छुट्टा मवेशियों का झुंड फसल को उजाड़ कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। किसानों के सामने बहुत ही जटिल समस्या पैदा हो गई है। जनवरी माह की कड़कड़ाती सर्दी में वह अपनी फसलों को किस तरह बचाए, इस चिंता में किसान दो वक्त की रोटी खाने भी छोड़ देता है। बेचारा किसान करे भी तो क्या करे, उसकी सारी मेहनत की कमाई छुट्टा मवेशी पल भर में तबाह कर देती है। सोमवार को देर शाम ऐसा ही मामला तराई के जंगल क्षेत्र के थाना हरैया के ग्राम कटकुइया गांव के बाहर देखने को मिला, जहां निराश्रित पशुओं से परेशान किसानों ने खेत में फूस मड़वा बांध कर खेत की रखवाली करते हुए मिले। ग्रामीणों ने बताया कि निराश्रित गोवांश को पकड़ कर कहां ले जाएं, इसको गौशाला के लोग भी लेने को तैयार नहीं है। निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग कई बार जिलाधिकारी से मांग कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।